मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। इस बात को भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है, हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश को संबोधित किया। आप हमारा यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे पीएम के संबोधन की बड़ी बातें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम करने पर पीएम ने कहा कि कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन यानी 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। फिर उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है, इसलिए यह सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। इस दौरान कोरोना वायरस को लेकर लोगों में दिख रही लापरवाही पर पीएम मोदी ने कहा कि कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। फिर वह कहते हैं कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करना जानता है, लेकिन इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की जरूरत है, हमें लापरवाह नहीं होना है। पीएम ने कहा कि भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं, क्या भारत इतने लोगों को टीके लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके, भांति भांति के सवाल, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रही है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन में खास बात यह भी रही कि वीआईपी कल्चर को इस दौर में हावी नहीं होने दिया। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब अमीर, गांव शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता, इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन के अभियान में वीआईपी कल्चर हावी ना हो। इस दौरान पीएम कहते हैं कि एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। इसके अलावा स्टार्टअप्स में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट के साथ ही रिकॉर्ड स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमारे देश में त्योहार शुरू होने जा रहे हैं। इस बीच द वोकल न्यूज हिंदी का परिवार आपसे गुजारिश करता है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सावधानी अवश्य बरतें और स्वस्थ रहें। और डेली अपडेट्स के लिए बने रहें द वोकल न्यूज हिंदी के साथ।